हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया एंड कैसे हैं सभी लोग आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड तो फ्रेंड हम लोग पी बी सैली की बायोग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कल हम लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम लोग उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक like करें कमेंट करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स ये जो क्लास है आपके यू पी टी जी टी पी जी टी और डी ट्रिपल एस बी ठीक है ये सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो पी बी सैले हैं ये राइटर आपके सारे में मतलब कि टी जी टी में टी जी टी में तो नहीं लेकिन हाँ कुछ ये फैक्ट्स ज़रूर आ जाते हैं बाकी पी जी टी के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और डी ट्रिपल एस बी के लिए भी ओके तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं देखते हैं कौन से फैक्ट्स हैं पी बी शैलेबाज पी बी सैले थे क्या तो वो थे एक वेजिटेरियन थे क्या थे वेजिटेरियन नेक्स्ट देख लेते हैं मैथ्यू रॉल फेमसली डिस्क्राइब सैली एज मैथ्यू रॉल ने फेमस किया था डिस्क्राइब किया था सैली को क्या ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल के रूप में उन्होंने डिस्क्राइब किया था शैले को नेक्स्ट देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार सैली बिलोंग्स टू द ग्रेट ट्रेडिशन टू वेस्टर्न राइटर्स द इनक्लोड्स डाते शेक्सपियर एंड मिल्टन तो ये बात किसने कही थी ये बात कही थी डोनाल्ड एच रैमन ने ओके okay? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन द रिव्यू डैश वॉज रिटन बाय पी बी सैली टू हेल्प प्रमोट टू नॉवेल फ्रेंकिसन बाय मेरी सैले एंड टू काउंटर एक्सपेक्टेड निगेटिव रिव्यू ओके okay. किसके रिव्यू थे तो ये थे ऑन फ्रेंकेस्टन के ठीक है जो किसके द्वारा लिखे गए थे पी वी सैले को हेल्प किए थे प्रमोट करने में नोवेल कौन सी फ्रेंकेस्टन को मेरी, मेरी सैली टू तो काउंटर एक्सपेक्टेड निगेटिव रिव्यू थे ओके okay. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन ए डिफेंस ऑफ पोएट्री बाय पी वी सैलह वॉज रिटन इन एटीन हंड्रेड ट्वेंटी वन मतलब कि शैले द्वारा जो ए डिफेंस ऑफ पोएट्री वो लिखी गई थी अठारह सौ इक्कीस में और पब्लिश कब हुई थी तो वो हुई थी अट्ठारह था, सौ चालीस में ओके okay, 1814 हंड्रेड फोर्टीन में ये पब्लिश हुई थी नेक्स्ट देख लेते हैं विच फेमस वर्क ऑफ पी बी शैले कॉन्टेंस ही इज फेमस क्लेम द दैट पोएट्स आर अन नॉलेज लेजिस्टेटर्स ऑफ द वर्ल्ड कि कौन सा उनका फेमस वो था लाइंस uh, किस प्लेस से थी तो ये थी ए डिफेंस ऑफ पोएट्री ओके देख लेते हैं नेक्स्ट वन हु रोट वोस्टन और द मिस्टीरियस बैंडिट सो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स पी बी सैले बाई होम वाइज सेल इंस्पायर्ड वेन ही रोड दिटी ऑफ एथिजम ओके किससे सेल इंस्पायर्ड हुए थे जिन्होंने लिख डाला क्या नेसेस्टी ऑफ एथिजम तो वो थे यू से ओके okay? देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हु इज कॉल्ड ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने बुलाया ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड थी ये बुलाया था पी बी शैले ने ओके okay? देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन हु कॉल्ड शैले परफेक्ट सिंगिंग गॉड तो ये थे ए सी स्विन बॉर्न देख लेते हैं नेक्स्ट वन हु टर्म शैले एज मेले पोइक ओके ये टर्म किसने दिया था मेले शैले एज मेले तो ये दिया था मैथ्यू अनरॉल ने ओके okay. किसने दिया था मैथ्यू लॉन ने दिया था टर्म देख लेते हैं नेक्स्ट वन वेयर डिड सैलिस शिटिल एंड रोट हिज बेस्ट पोएट्री सैली कहाँ सेटल हुए और उन्होंने बेस्ट पोइट्री लिखी तो वो जब सेटल हुए पीज़ा में तो भी उन्होंने बेस्ट पोइट्री की शुरुआत की मतलब लिखा द राइटिंग ऑफ विच पैम्पलेट केस्ड पी वी सैलिज सो so, क्या बन जाएगा इसका द दी ऑफ एथिजम कौन सा पैम्पलेट था द दी ऑफ एथिज्म देख लेते हैं नेक्स्ट वन डिड एथिज्मी सैल राइट वेन ही हार्ड अबाउट ओके सो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स द मास्क ऑफ एन क्या है द मास्क ऑफ एन नेक्स्ट वन देख लेते हैं पी बी सैल फाइनल अनफिनिश्ड पोयम इज टाइटल द ट्रिम्प ऑफ क्या था द ट्रिम्प ऑफ लाइफ था उनकी क्योंकि ये कौन सी प्ले थी सैले की अनफिनिश्ड प्ले थी जो कि इन्होंने मतलब कि अनफिनिश्ड पोएम थी जिनको इन्होंने फिनिश नहीं कर पाए थे ओके देख लेते हैं नेक्स्ट वन इन सनेट इंग्लैंड इन 1819 हंड्रेड नाइनटीन सैले रिफर्स टू ए ग्लोरियस फैंटम आई से मेटाफर फॉर ओके okay? तो जो सनेट थे इंग्लैंड इन 1819 सैली रिफर्स टू सैली ने रिफर किया किस ग्लोरियस फैंटम एज अ फॉर किसके लिए ए रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट के लिए इन्होंने रेफर किया व्हाट वाज द नेम ऑफ बीबी सैली सेकंड वाइफ इज बीबी सैली सेकंड वाइफ का नाम था मैरी सैली क्या नाम था मैरी सैली ओके देख लेते हैं नेक्स्ट वन इन सनेट इंग्लैंड इन 1819

ओके okay, तब कौन हाउ ओल्ड वाज पी वी सेकेंड वाइफ देख लेते हैं दे एलॉप टू स्विटरलैंड फॉर विच मैगजीन मैगजीन डिट पी बी राइट आर्टिकल्स तो क्या था द एग्जामिनर कौन सी मैगजीन थी द एग्जामिनर हाउ डिड पी बी सेले डाई उनकी मृत्यु कैसे हुई थी तो ही ड्राउन में ओके क्या कर रहे थे ड्राउन करते हुए ही

और द स्प्रिट ऑफ सैली जिसे बोला जाता है जूलियन मेडलो एडोनिस जो कि की, जॉन कीट्स की याद में लिखा था एडोनिस प्रोमोथियस अनबाउंड हेलस एंड तो ये सब क्या है ट्रिम्प ऑफ लाइफ के हैं विच वर्क ऑफ सैली इज वेट्सले कंसीडर्ड एज मास्टर पीस कौन से वर्क में में सैली से, से, को बोला जाता है उनका मास्टर पीस है तो वो है प्रोमोथियस अनबाउंड देख लेते हैं नेक्स्ट वन व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ पी बी सैल तो उनका नाम है परसी बेस सैले ओके व्हाट डिड डिट ट्राई टू रेस्क्यू फ्रॉम पी बी सैलेज फिनरल पेयोर तो वो थे हिज स्क्यूल क्या थे उनके हिज स्कुल देख लेते हैं नेक्स्ट वन व्हाट वाज वन ऑफ द अनयूजुअल वे पी बी सैले रिलीज्ड हिज वर्क क्या ऐसा अनविजुअल वे था पी बी सैल जिसमें उन्होंने अपने वर्क में रिलीज किया है तो वो है रिलीज इन साइड ऑफ हैं नेक्स्ट वन बोल्ड मोस्ट ऑफ इज लाइफ हाउ डिड ए टीन एज्ड पी बी वंस रिएक्ट टू टॉर्नामेंटर ओके सो बोल्ड मोस्ट ऑफ इज लाइफ हाउ डिड टीन एजड पी बी सैल एंस रियक्ट टू ए टोर्नामेंटर ओके हिज स्टेबड ए फॉर्क थ्रो द बुली हैंड देख लेते हैं नेक्स्ट वन मॉन्ट ब्लैंक बाय से इज ऑफटन कंसिडर्ड एंड एंसर टू सो राइट ऑप्शन बन जाएगा वर्ड्स वर्थ की ट इन टन अब ए वाई बाई सैले नॉट गिवेन टू द कस्टडी ऑफ हिज चिल्ड्रेन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ तो क्या हो जाएगा बिकॉज ऑफ हिज एथिजम देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पी सैले सैलह सेकेंड वाइफ मैरी सैले डिड नॉट अटेंड हर हस्बैंड फिनरल तो क्या है ये बिल्कुल सही बात है ट्रू है पीबी सैले एंड किड्स बिकेम फ्रेंड्स कब हुए फ्रेंड्स पी बी और किड्स थे हंड्रेड सिक्सटीन में किड्स और सैले फ्रेंड्स हुए थे ओके okay? देख लेते हैं नेक्स्ट वन वार्ट डि टी एस सिलियट से अबाउट पीबी बी पीबी पी सैले के बारे में टी एस सिलेट ने क्या कहा तो उन्होंने कहा था ही इज ए पोएट ऑफ एडोलसेंस एंड द बुल्क ऑफ हिस्स पोएट्री इज इमेचर ये लाइनें बोली थी टी एस सिलेट ने पीबी वी सैले के बारे में देख लेते हैं नेक्स्ट वन द बेस्ट पोएट्री ऑफ पीबी वी वाज रिटन फ्रॉम द बेस्ट पोएट्री पी वी सैलह की जिन्होंने उन्होंने लिखा था कब लिखा था एट्टीन हंड्रेड एट्टीन से लेकर के एटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू तक उन्होंने अपनी बेस्ट पोएट्री लिखा था जब वो कहाँ थे पीसा में थे इन द पोएम ओ टू द वेस्ट विंड ऑफ द वर्ल्ड दीर्ग मीन्स दीर्ग मीन्स क्या होता है सॉन्ग फ्रॉम ए डेड पर्सन डेड पर्सन की याद में जब कोई सा सॉन्ग गाया जाता है तो उसे बोलते हैं दीर्ग ओके नेचर इमोशन एंड एलिएशन आर द थीम्स ऑफ द पोएम नेचर इमोशन एंड एलिएशन ये थीम्स हैं किस पोएम के स्तंजा रिटर्न इन डिजेक्शन के किसके हैं स्टेंजास रिटेन इन डिजेक्शन पोएम के हैं ये सारे थीम्स देख लेते हैं नेक्स्ट वन हु इज सन एंड सिंगर ऑफ रिवोल्यूशन कौन पुत्र और सिंगर मतलब रिवोल्यूशन के सिंगर माने जाते हैं तो वो हैं पी बी शैले हु इज कॉल्ड द मोस्ट रिवोल्यूशन रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोएट किसे कहा जाता है ना तो वो बोला जाता है पी बी को ओके okay? देख लेते हैं नेक्स्ट वन को इंटलैक्चुलाइज नेचर किसे इंटलेक्चुअलाइज नेचर कहा जाता है तो कौन है तो वो है पी बी सेले पी बी सैल एज बॉडी वॉज क्रीमेटेड इन अगस्त एटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू बट वरीड इन तो वो थे 1823 में क्या किया गया था वेरीड किया गया था नेक्स्ट वन देख लेते हैं वाट डिड मैथ्यू एन रॉल से अबाउट पी वी सैलह मैथ्यू एन रॉल ने पी बी सैले के बारे में क्या कहा है तो आर इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइट्स ऑफ लियमिन ल्यूमिनियस विंग्स ये कहा है मैथ्यू एन रॉल ने ओके okay? देख लेते हैं नेक्स्ट वन पी बी शैले बिलोंग टू दी बी सैलह किससे बिलोंग करते हैं तो सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स कहे जाते हैं पी वी शैले ओके सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखेंगे ओके okay? सैलीज़ फर्स्ट वाइफ हैरिट वेस्ट ब्रुक डाइड बाय तो सैली की जो फर्स्ट वाइफ थी हैरिट वेस्ट ब्रुक वो के कैसे मतलब मतलब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो सुसाइड की थी कैसे सी ड्राउंड हर सेल्फ बाय से इज थ्रिनोडीलिंग द टेथ ऑफ जॉन कीड्स ओके जॉन कीट्स की जब याद में पी सैली ने एक लिखी थी तो वो थी एडिक्स मतलब कि एल

तो एडोनिस में कितने इस्तजाज थे तो वो थे फिफ्टी फाइव इस्तनजाज एडोनिस में वाट डिड बायरन से अबाउट पी बी सैल बायरन ने पी बी सैल के बारे में क्या देखिए पी बी सैल के बारे में किसने क्या मतलब Fact कि फैक्ट कहे हैं क्या क्याने बोली हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ठीक है तो इनको याद रखिए तो बायरन ने कहा है द मोस्ट जेंटल द मोस्ट एमिएबल एंड लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पीपल आई एवर मेट ये कहा है बायरन ने पी वी के बारे में देख लेते हैं नेक्स्ट वन हुज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन किसने बुलाया कि ए चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवल्यूशन ओके तो ये किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है पी बी सैले को पी बी सैलह हैड लॉस्ट पी बी सैले ने मतलब कितने बच्चों को है तो फाइव चिल्ड्रेन को ठीक है देख लेते हैं नेक्स्ट वन द मोस्ट एडवर्स क्रिटिक ऑफ पी बी सैले इज पीबी बी सैले के मोस्ट एडवर्स क्रिटिक कहा जाता है तो वो कहे हैं टी एस एलियट ने ओके पी बी रोड पी बी सेले ने लिखा डैश इन कंपटीशन विद हिज फ्रेंड होरिस स्मिथ किसको कहा गया है ओजा मैंडिस इन कंपटीशन विद हिज फ्रेंड और्मिथ ओके पी बी पीबी ए की फर्स्ट पोएम ऑफ एनी सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल उसके फर्स्ट पोएम का टाइटल क्या था तो वो था क्वीन मैब क्या नाम था क्वीन मैब देख लेते हैं नेक्स्ट वन हु रोट मोटेबैलिटी किसने लिखा मोटाबैलिटी तो ये लिखा है पी बी शैले, किसने लिखा है पी बी शैले ने लिखा है मोटेबैलिटी ओके okay? देख लेते हैं नेक्स्ट वन इनमोटेबिलिटी वाट इज एन इशू रिगार्डिंग योर थाट्स मोटेबिलिटी में कौन सा मतलब क्या इशू दिखाया गया है उनके विचार के अकॉर्डिंग तो वो दिखाया गया दे चेंज क्या दिखाए गए हैं दे चेंज दिखाए गए हैं ओके देख लेते हैं नेक्स्ट वन व्हाट टू अपोजिंग इमोशंस आर पुट इन इन अपने तो क्या है जॉय एंड क्या दो अपोजिट मतलब कि इमोशंस दिखाए गए हैं तो जॉय एंड सरो को सौरों को दिखाया गया सुख एंड दुख को पी वी सैलह डिफाइन्स पोइट्री एज एन एक्सप्रेशन पी वी सैले ने अपनी पोइट्री में क्या एक्सप्रेशन के दिए हैं तो वो दिए हैं इमेजिनेशन के ओके okay? देख लेते हैं नेक्स्ट वन वेयर डिड पी बी सैली मूव इन एटीन हंड्रेड ट्वेंटी एटीन हंड्रेड ट्वेंटी में पी बी सैल कहाँ मूव किया था तो किया था पीसा में ओके पी बी सैले वॉज बुल्ड एट स्कूल विच मेड हिम डिटरमाइंड टू पी बी सैलह मतलब अपने स्कूल पर बुल्ड किया था ही विच मेड डिटरमाइंड तो क्या किया था डिवोट हिम टू अपोजिंग एवरी फ्रॉम टायर रहनी के रूप में देख लेते हैं नेक्स्ट वन एज अ पोएट पी बी शैले कंट्रीब्यूटेड विच न्यू क्वालिटी टू इंग्लिश लिटरेचर एज अ पोएट के रूप में पी बी शैले ने कंट्रीब्यूट किया एक न्यू क्वालिटी टू इंग्लिश लिटरेचर तो क्या थी वो एक् क्वालिटी ऑफ आइडियलिटी फ्रीडम एंड स्प्रिच ऑडोसिटी ओके देख लेते हैं नेक्स्ट वन न्यूल कॉवर्स प्ले ब्लीथी स्प्रिट ड्राइवर्स इट्स टाइटल फ्राम सेलिज पोएम वो है टू अ स्काई लार्क नेक्स्ट वन देख लेते द विच ऑफ एटलस इज अ नरेटिव ऑफ वो है मिस्ट्री एंड सस्पेंस देख लेते नेक्स्ट वन सैली से सैली ने कहा आई हैव डिप्ड माय पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स हीज रेफर्स टू वो किसको रेफर किया गया है ये किया गया है जॉन कीट्स को क्या किया गया आई हैव डिप्ड माय पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स शैली डेडिकेटेड ही कैंसी द कैंसी सैले ने किसको डिडिकेटेड डेडिकेटेड किया है तो किया है लीहेंड को उन्होंने डेडिकेटेड किया है क्या द कैंसी जो इनकी क्या है एक ट्रेजी प्ले है पोएट्स आर द हीरो फैंड्स ऑफ एन अन अप्रीहेंडेड किसने कहा तो ये कहा है शैले ने ओके okay? देख लेते हैं पी बी शैले पोएट्री स्का पी बी की जो पोएट्री है वो क्या कहलाती है तो वो कहलाती है द फैब्रिक ऑफ विजन क्या कहलाती है द फैब्रिक ऑफ विजन नेक्स्ट वन देख लेते हैं पी बी मैरिड हैरिट वेस्ट ब्रुक एट द एज ऑफ पी बी ने मैरिड किया था मतलब शादी की थी हैरिट वेस्ट ब्रुक से किस एज में तो वो थे तब नाइनटीन के When did B P.B. Saleh die? P.B. Saleh की मृत्यु तो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1822 में, okay? What is intellectual beauty? किसे intellectual beauty कहा जाता है? तो the human mind at work को, okay? Next one देख लेते हैं. What things are compared with intellectual beauty? किस में compared किया गया है? क्या compared किया गया है intellectual beauty में? तो किया गया है mist, music and moonlight का compare किया गया है. नेक्स्ट वन देख लेते हैं वेयर डिज इंटलेक्चुअल ब्यूटी कम फ्राम मतलब कि कहाँ से आया तो वो कहाँ से आया था दोल सोल से आया सैली बाज इंफ्लुएंस बाय सैली किससे इन्फ्लुएंस हुए हैं तो वो हुए हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस हुए हैं नेक्स्ट वन देख लेते हैं हु डीपली इन्फ्लुएंस द थॉट एंड आइडियोलॉजी सैली सो वो है विलियम गॉडविन ओके सैली सेकेंड वाइफ मैरी शैली वाज इट द डॉटर ऑफ उनसे कौन सा मतलब किसकी पुत्री थी ये मैरी शैली तो वो थी विलियम गॉडविन की जो कि पीबी शैली की सेकेंड वाइफ थी देख लेते हैं नेक्स्ट वन इन पीबी शैलियस जूलियन एंड मेडलो जूलियन रिप्रेजेंट शैली एंड मेडलो रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो वो थे बायरन को वाट आर द पॉइजनस नेम किसका पॉइजनस नेम क्या है इन हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का तो वो है नेम्स फ्रॉम रिलीजन क्या है नेम्स फ्रॉम रिलीजन नेक्स्ट वन देख लेते हैं इन हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी वाट डज नून सिग्नीफाई हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी व्हाट डज नोन सिग्नीफाई किसे कहा जाता था मिड स्टेज ऑफ पोअर्स लाइफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ओके नेक्स्ट वन देख लेते हैं पी बी सैलिज पोएम पी बी सैलि जो पोएम है मॉन्ट ब्लैंक इज ऑफ्टन कंसीडर्ड आर आंसर टू किसको मतलब कि कंसीडर किया है इसमें किसको आंसर दिया गया टिन टन अबे किसके वर्ड्स वर्थ की जो है टिन टन अबे उसको नेक्स्ट वन देख लेते हैं वाइट डू पावर्स आर जस्ट अपोज इन माउंट ब्लैंक माउंट ब्लैंक में जो जस्टअपोज दिखाया गया है तो टू पावर्स को तो वो कौन है कौन कौन से हैं तो वो है नेचर एंड माइंड को नेक्स्ट वन देख लेते हैं वो रोट आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट्स ये किसने कहा है ये कहा है पी वी शैले ने ओके okay, देख लेते हैं नेक्स्ट वन पीबी सेल बिलोंग्स टू द तो ये बिलोंग करते हैं एज ऑफ वर्ड्स के ठीक है हु वाज ए विजनरी एंड आइडियलिस्टिक पोएट विद ए पैशन फॉर रिफॉर्मिंग द वर्ल्ड सो राइट ऑप्शन बन जाता है पीबी सेल हु इज ओजा मैंडिस ओजा मैंडिस कौन है तो किंग रेम्स सेकंड नेक्स्ट वन देख लेते हैं राइथ लाइक लायंस आफ्टर स्लैम्बर्स इन अन अनबिसेबल नंबर विच पोएम ऑफ पी बी सह इंस्पायर डेस किस पोएम से पी बी सैल इंस्पायर हुए तो द मास्क ऑफ अनारी इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर द टेम्पेस्ट किससे इंस्पायर बाय शेक्सपियर की टेम्पेस्ट से सहले मतलब कि इंप्रेस्ड हुए किससे एरियल टू मेरिंडा नेक्स्ट वन देख लेते हैं सैलीज वर्ल्ड ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ये क्या है ए लिरिक है ओके okay? देख लेते हैं नेक्स्ट वन हु रोड द इंडियन सरें हाँ सरेंडे तो so, किसने लिखा है पी वी सैले ने हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन सैलीज प्ले ओड पेस टैर इसमें कितने एक्ट दिखाए गए हैं जिसमें टू एक्ट दिखाए गए हैं नेक्स्ट वन देख लेते हैं एसिया इज़ ए कैरेक्टर इन सैलिस सैली के जो प्ले में एसिया एक कैरेक्टर है वो किसका है तो वो है प्रोमोथियस अनबाउंड का नेक्स्ट वन देख लेते हैं सैली सपोर्ट्स बिगमी इन सैली ने सपोर्ट्स किया बिगमी किस में प्रमोथियस अनबाउंड वर्क में सैली वाज ए मैन ऑफ वार्ड थ्री सैली को क्या कहा गया है ए मैन ऑफ वार्ड थ्री प्रिंसिपल तो कौन कौन से प्रिंसिपल थे पॉटिकल रेडिकलिज्म स्ट्रिक फ्री लव ये शैली के मतलब थ्री प्रिंसिपल्स थे थॉमस मैडविन लिखा? तो लिखा है क्या लिखा है द लाइफ ऑफ पी बी शैले लिखा है ओके okay? देख लेते हैं नेक्स्ट वन पोएट ऑफ लिरिक्स पोएट ऑफ लिरिक्स किसे जाना जाता है तो वो जाना जाता है पी बी शैले को पोएट ऑफ लिरिक्स हु इज नोन एज पोएट ऑफ होप एंड रिजेनरेशन ये किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है पी बी शैले को ओके okay? देख लेते हैं नेक्स्ट वन इन ओड टू देश वार्ड डैले कॉल लीव्स। ओके तो ये पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स कहा जाता है वन ऑफ पी बी शैले पोएम इस टाइटल इज तंजार रिटेन इन डिजेक्शन नियर डिजेक्शन नियर क्या था नेपल्स था देख लेते हैं नेक्स्ट वन माई नेम इज डैश किंग ऑफ किंग्स किसे कहा जाता है ओजा को कहा जाता है किंग ऑफ किंग्स देख लेते हैं नेक्स्ट वन द सेंट्रल थाट्स ऑफ ह्यूम टू इंटलेक्चुअल ब्यूटी इज दैट देयर इज ए दैट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम बॉथ द फिजिकल वर्ल्ड एंड द हार्ट ऑफ मैन सो क्या है स्पिरिचुअल पावर स्पिरिचुअल पावर स्टैंडस करता है अपार्ट फ्राम बहुत फिजिकल वर्ड एंड हार्ट ऑफ मैन को नेक्स्ट वन देख लेते हैं इन एडोनिस एडोनिस में पी बी साले ब्लेम्स रिव्यूवर्स ऑफ जॉन कीट्स की डेथ को ब्लेम्स करते हैं तो क्या बात सही है बिल्कुल ट्रू है ओ टू द वेस्ट विंड इन ऑन ए हेल्पफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक नोट्स क्या ये बात सही है बिल्कुल राइट right है ट्रू है देख लेते हैं नेक्स्ट वन वाट वाज दस ऑफ पी बी सैलिशन रोड इन डिजेक्शन नियर नेपल्स ही वाज स्ट्रें फ्रॉम हिज वाइफ शॉर्टली आफ्टर देअर डॉटर डायर नेक्स्ट वन देख लेते हैं इन ओड टू द वेस्ट विंड द विंड स्वीप्स अवे द ओल्ड लाइफ एंड स्प्रिट दीट्स ऑफ इन न्यू सो क्या है आइडियल लाइफ इन हीच ए डिफेंस ऑफ पोएट्री पी बी सैल ए कॉल्स द पोयट्स डिफेंस ऑफ पोएट्री में पी बी सैल ए को बुलाया जाता अन दॉलेज लेजिस्टेटर्स ऑफ द वर्ल्ड ओके देख लेते हैं नेक्स्ट वन पी बी सैले एडोनिस इज डिवाइड इंटू पी बी सैल ए के जो एडोनिस उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया एडोनिस बाई पी बी सैल ए कंसे स्टॉप कितने हैं फिफ्टी फाइव स्तेंचा नेक्स्ट वन देख लेते हैं पी बी शैले प्रोमोथियस अनबाउंड इज क्या है लिरिकल ड्रामा इट इज़ फोर एक्ट्स जो जिसमें कितने एक्ट्स हैं फोर एक्ट्स हैं पी बी शैले के प्रोमोथियस अनबाउंड जिसे लिरिकल ड्रामा भी कहा जाता है ओके वाट विच इज द ओनली कम्प्लीट रेजडी रिटन बाय पी बी शैले इन ब्लैंक वर्स कौन सी ऐसी कम्प्लीट रेजडी है जिसमें पी बी शैले ने ब्लैंक वर्स फॉर्म में उसको कम्प्लीट किया है तो वो है द केन्सी क्या है द केन्सी देख लेते हैं नेक्स्ट वन इन नोदल लिरिकल ड्रामा ऑफ पी बी शैले पी बी शैले का कोई दूसरा लिरिकल ड्रामा कौन सा है तो वो हैलस पी बी शैले हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज रिटन बाय पी बी शैले ने हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी वर्क लिखा है वो कब लिखा है तो एटीन हंड्रेड सिक्सटीन में लिखा गया है ओके okay? देख लेते हैं नेक्स्ट वन हाउ मैनी स्तंजाज आर देयर इन ही देयर इन हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इट इज सेवन इसजा इसमें कितने इसतंजा हैं सेवन हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन हिम टू इंटलेक्चुअल ब्यूटी कितनी लाइन्स हैं हिम टू इंटलेक्चुअल ब्यूटी में तो ये कंसिस्ट करती है कितनी सिक्सटी लाइन्स ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन सैली कंपोज एडोनिस ऑफ्टर सैली ने कम्पोज किया था एडोनिस ऑफ्टर थ्री मंथस ऑफ किड्स डेथ मतलब कि किड्स के तीन महीने ख़त्म होने के बाद ओके okay? सैली सीट सैली ने कहा अबाउट विच ऑफ हिस पोएम किस इस पोएम के बारे में द लीस्ट इम्परफेक्ट तो किसके बारे में कहा गया है एडोनिस के बारे में ये लाइंस बोली नेक्स्ट वन देख लेते हैं द नेम ऑफ सैली हिस्टोरिकल ट्रेजिडी हिस्टोरिकल सैली के जो हिस्टोरिकल ट्रेजडी है उसका क्या नाम है तो चार्ल्स फर्स्ट नाम है क्या नाम है चार्ल्स फर्स्ट विच वर्क ऑफ प्लेटो विच वर्क ऑफ प्लेटो डि पी बी सैली ट्रांसलेट तो कौन सा वर्क था प्रीवियस एलन ट्रांसलेट किया है प्लेटो का तो वो है सिंपोजियम क्या है सिंपोजियम ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन सैली सीट सैली ने कहा अबाउट विच इज पोयम ये तो हो गया चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन यहाँ से हु रोट ओ टू लिबर्टी ओ टू लिबर्टी किसने लिखा है तो ये लिखा है पी बी ने ओ टू लिबर्टी ये अच्छे से याद रखेंगे हु रोड द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम ये तो पता ही होगा आपको पी वी शैले ने लिखा है ओके शैली सेलिब्रेट प्लेटेनिक लव इन हिज पोएम तो वो है ए पी फी सी सी एन ओके नेक्स्ट वन देख लेते हैं पी वी शैले डायड इन एटीन एंड ट्वेंटी टू एट द एज ऑफ तब उनकी एज कितनी थी ट्वेंटी नाइन जब उनकी क्या हुई थी इटली में डेथ हो गई थी चलिए फ्रेंड्स तो ये थे आपके पी बी सैले के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसकी हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है ओके अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए राइटर के साथ मिलेंगे आपसे ओके तो इस क्लास को फ्रेंड्स लाइक like बिल्कुल करना मत भूलिएगा और शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स बिल्कुल ऐड किया करिए और बताया करिए ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ओके तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को ओवर करते हैं थैंक यू सो मच